सुनाओ साउथ, तुम ऑनलाइन काम सीख रहे थे, क्या बना उसका? जी साथ भाई, मैं सीख रहा हूँ लेकिन अभी तक पूरा नहीं सीखा। अच्छा चलो, दिल लगा कर काम करो, जल्दी सीख जाओगे। तो तुम्हें पता तो है इसमें अर्निंग भी बहुत है। जी साथ भाई, आपको देख कर ही मुझे ऑनलाइन काम सीखने का शौक हुआ है। आपका रहन सहन देख कर मुझे रश्क होता है। हाँ जी, नौकरी वालों से बेहतर तो ऑनलाइन वाले कमा रहे हैं, इस फील्ड में पैसा बहुत है। जी साथ भाई, इसलिए तो मैंने ये काम सीखना शुरू कर दिया। पढ़ लिख कर भी कौन सा नौकरी मिलती है। चले ठीक है साउथ भी, मुझे भी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। एक ऑर्डर है, वो टाइम पे डिलीवर करना। बेटा इतना टाइम हो गया है, अब रेस्ट कर लो, थक गए होगे, बाकी का काम कल सुबह कर लेना। बाबा ये ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करना है, बहुत अच्छी अमाउंट मिल रही है इसकी। अच्छा बेटा ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लेना, इतना काम करते हो, खुद कुछ अपने ऊपर भी ध्यान कर लिया करो, रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हो। और हाँ, वक्त पर खाना भी खा लिया करो। बाबा मैं सुबह से इसी प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं खाना आज आपके साथ ही खाऊंगा, बस थोड़ा सा रह गया, मैं कम्प्लीट करके आया। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करता हूँ, आ जाओ जल्दी। इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी तक नहीं आए। ये देखें बाबा, मैंने ऑर्डर टाइम पे रेडी कर लिया था, अब नेट का इशू आ रहा है, नेट नहीं चल रहा। मैंने न्यूज़ में सुना है कि गवर्नमेंट ने नेट स्लो कर दिया है, अब मैं इसे टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया। बेटा कोई बात नहीं, जब नेट आ जाएगा फिर डिलीवर कर देना। नहीं बाबा, अब जो नुकसान होना था वो हो गया, कंपनी की तरफ से मैसेज आया कि आपने हमारा ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, अब हम आपको मजीद ऑर्डर नहीं देंगे। अच्छा बेटा परेशान ना हो, किसी और कंपनी से ऑर्डर आ जाएगा, दिल छोटा क्यों करते हो? नहीं बाबा, मेरी प्रोफाइल भी डाउन हो गई है और दूसरे कंपनीज वाले पाकिस्तानी फ्रीलांसर को काम नहीं दे रहे। उनको पता है कि हमारे मुल्क में इंटरनेट का इशू चल रहा है, पता नहीं कब हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। साथ बेटा मेरी बात तो सुनो, खैर तो है साथ भाई, क्यों परेशान बैठे हो, बिजली का बिल ज्यादा आ गया क्या? नहीं यार, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुझे मजाक सूझ रही है। अच्छा क्या हुआ बताओ। यार इतना बड़ा ऑर्डर हाथ लगा था और मैंने बना भी लिया था, इंटरनेट की बंदिश की वजह से मैं वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। ओहो यार, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इंटरनेट की बंदिश की वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है आईटी के शोबे में, और बहुत सारे फ्रीलांसर्स का कैरियर खत्म होकर रह गया। पता नहीं हमारे मुल्क के हुक्मरानों को कब ये बात समझ आएगी कि बहुत सारे लोगों का कारोबार इंटरनेट से वाबस्ता होता है। जहां हम जैसे छोटे फ्रीलांसर का नुकसान हुआ है, वहां मुल्क में अरबों डॉलर आने होते हैं, वो भी नहीं आ पाते। जी साथ भाई, बस अल्लाह हिदायत दे और इस मुल्क के हालात पर अपना रहम करे। ऐसे तो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं। खुदारा इस मुल्क के नौजवानों पर थोड़ा रहम कीजिए और उनसे उनका रोजगार मत छीनिए।